काश मैं भी ऐसी परवाज भर सकती, फिर मैं आसमान छू लेती। जो पंछी ऊंची परवाज भरती है ना, उनके पर काट दिए जाते। मैं कोई पंछी थोड़ी हूँ, मैं तो शर्मीन हूँ। अरे मेरी भोली सहेली, हम लड़कियां भी ना पंछियों की तरह ही होती हैं। रस्म और रिवाज और रिश्तों के पिंजरों में कैद रहे ना तो सबको अच्छी लगती। आजादी हमारा नसीब कहाँ। कि तुम क्या माशरते उलूम की उस्तानी वाली बातें करने लग पड़ी हो। मौसम देखो, आसमान देखो, पंछी देखो, ऐसा लगता है कि जैसे अभी कोई नावल का हीरो आएगा और मेरा हाथ थाम के कहेगा, चलो शर्मीन मैं तुम्हें अपने साथ दूर ले चलूं। नावल की दुनिया से ना बाहर निकलो, ये नावलों के हीरो ना हकीकी जिंदगी में नहीं होते, और जो होते हैं तो वो अपने ही रंग में ढल देते हैं। अच्छा तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें बड़ा तजुर्बा है। हाँ तो तुम्हारी तरह ख्याली दुनिया में नहीं रहती मैं, ना ही मैं अंधी हूँ, ना ही गूंगी और ना ही बहरी, सब दिखता है मुझे। अच्छा चलो बोर मत करो। सुनो वो जो पिछली बार अजीज वो इमली लेकर आया था ना, वो इमली कम आलू बुखारा ज्यादा लग रहा था। हाँ हाँ वो तो जैसे अजीज खुद उगाता है ना। वैसे ना तुम्हारा भाई है बड़ा बोंदू। बोंदू नहीं है बल्कि मेरा भाई बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करने वाला, बहुत रहनदिल। आलू बुखारा। शर्मीन, शर्मीन, अरे शर्मीन, शर्मीन बेटा।